नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। दिल्ली में एक मां ने अपने दो बेटों की कलाई काटकर हत्या कर दी और फिर अपनी कलाई पर चाकू चलाकर जान दे दी। तीन जिंदगियों को खत्म करने वाली इस खौफनाक वारदात में कई पेच हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो में तैनात पति पर दहेज के आरोप, तंत्र मंत्र और टोना जादू का आरोप है, नशीली दवाओं का खेल करने का आरोप है और महिला की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे की असली वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। क्या एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को मार सकती है? ऐसा क्या हुआ होगा कि माँ ने एक साथ अपने दो मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दी? या फिर दिल्ली के मुनिरका इलाके में हुई एक साथ तीन मौतों के पीछे कोई ऐसा राज है जो वारदात से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है? रविवार को दिल्ली में एक ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई कि जिसने भी ये खबर सुनी कांप गया। मुनिरका इलाके में पुलिस को एक घर में तीन डेड बॉडी की खबर मिलती है। पुलिस मुनिरका के ई ब्लॉक में चौथी मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंचती है तो यहां दो बच्चों और उनकी मां की कलाई कटी मिलती है। शुरुआती जांच में माना जाता है कि मां ने पहले अपने 2.5 साल और 4 साल के बच्चों की हत्या की, उसके बाद अपनी भी जान दे दी। लेकिन क्या ये मामला इतना सरल है? आखिर क्या ही वजह थी कि एक मां ने अपने बच्चों के साथ इतनी बेरहमी दिखाई और इतना बड़ा कदम उठा लिया? इन तमाम सवालों के जवाब मरने वाली वर्षा के पिता के बयान में छिपे हैं। मैं अपनी बेटी की शादी नवंबर 2017 में की थी। शादी के अगले दिन ही इनकी सास दहेज के लिए ताड़ित करती रहती थी, बोले तेरे बाप ने क्या दिया है, और उसके बाद से ही परेशान करते थे लोग। और इनके जो है इस पे गजेंद्र शर्मा इनके पति जो है इनके इतिहास है, मंत्र वंत्र क्या पता नहीं क्या करते थे। वर्षा ने बताया था कि ये नारकोटिक्स विभाग में है, ये उसको पता नहीं नशे की क्या चीज देते थे जो अपना आपक हो देती थी। वर्षा के पिता ने अपने दामाद और उसकी मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मरने वाली महिला का पति दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के तौर पर तैनात है। वर्षा के पिता का आरोप है कि दामाद जगेंद्र न सिर्फ टोना टटका के चक्कर में रहता है बल्कि एक तांत्रिक के वश में था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जगेंद्र उनकी बेटी को नशीली दवाई भी देता था जिसकी वजह से वो कई बार अपना आपा खो देती थी। ये बहुत परेशान रहती थी, इसको पीटते थे ये, और वहां से ये बहुत परेशान रहती थी। इसे जो है ये कहते थे कि तू बच्चों को लेकर मर जा और अपने मैं तेरे परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा, और क्या नाम है उसके बाद ही है, मतलब दिल्ली आ इनकी पोस्टिंग हो गई थी तो दिल्ली ले आए लड़की को, ये यहाँ पा के उसको तंग करने लगे। फिर मैंने अपने घर पर बुला ली, उसके बाद भी ये उसके बाद फिर ये बोले कुछ नहीं होगा, ये फिर ले आए उसको, फिर तंग किया इन्होंने। इस पूरे मामले में अब एक के बाद एक कई एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्या वजह थी वर्षा ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जानलेवा कदम उठाया? तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई वारदात, नशीली दवा से वर्षा ने खोया आपा, पति और सास पर आरोपों का सच क्या है? दहेज के लालच में खुदकुशी के लिए उकसाया गया, ये पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या करा है, इनकी साजिश, इनकी मम्मी की और इनकी क्या साजिश है, ये इसने जो लड़की ने ये कदम उठाया। मेरी बेटी की हत्या में लवकुश और इनकी मम्मी का की फुल साजिश है हत्या करने में इनकी। वर्षा के परिवार के आरोपों के साथ ही ये तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों वर्षा ने अपने बच्चों की जान लेकर खुदकुशी कर ली, क्यों अपने जिगर के टुकड़ों को बेरहमी से मार डाला, या फिर इस पूरे कांड के पीछे कुछ और ही कहानी है? तंत्र मंत्र, नशीली दवाएं, कांस्टेबल पति, प्रताड़ित करने वाली सास, दहेज का लालच, या फिर वर्षा का खुद का मानसिक संतुलन? सच्चाई का पता तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।